पॉइंट पे, जो तीसरा पॉइंट बनाया वहाँ पे 6 सेकंड के लिए प्रेस करना है। लेडीज़ के बारे में जिनको प्रॉब्लम रहती है वाइट डिस्चार्ज की, सफ़ेद पानी की, कि बहुत सारे लेडीज़ बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, कुछ दवाइयाँ खाती है, कुछ इस प्रॉब्लम को खींचती रहती है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप घर पे कैसे कुछ पॉइंट देके इसको ठीक कर सकते हैं। आप दो तकिया लोगे, आपको ऐसे लगाने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको हाथों को ऐसे कराना है, आप देखो कोहनी से यहाँ तक तीन पॉइंट बनाओगे, 1 2 3, ठीक है, इस हाथ पे भी 1 2 3। आपको पहले कोहनी वाले जो पॉइंट बनाया अपने पास में, इसके 6 सेकंड के लिए यहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है। 6 सेकंड प्रेस करने के बाद फिर आप बीच में ले जाओगे हाथ, आपको यहाँ पे 6 सेकंड प्रेस करना है, फिर यहाँ पे ले जाओगे एंड पॉइंट पे, जो तीसरा पॉइंट बनाया वहाँ पे 6 सेकंड के लिए प्रेस करना है, फिर आपको ऐसे ही करना है, आपको 6 बारी जाना है, 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे ही आप 6 बार करेंगे, मतलब 6 18 बार प्रेस करेंगे, 6 सेकंड के लिए प्रेस करना है। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक पॉइंट, दो पॉइंट और ये तीसरा, ठीक है, कोहनी से यहाँ गट्टे तक तीन पॉइंट बना लेंगे, 6 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 6 बारी जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। इसके बाद आप पेशेंट को बोलिए कि उल्टा लेट जाइए, अब जो हमारी स्पाइन है ये, ठीक है, यहाँ एंड तक आप यहां से शुरू करेंगे ऐसे, स्पाइन के साइड में से, ठीक है, ये बीच में स्पाइन है, इसके साइड में से ऐसे शुरू करेंगे, अंगूठा ऐसे प्रेस करके रखेंगे, ऐसे घिसते हुए जाएंगे ऐसे यहाँ से और यहाँ तक, ऐसे स्पाइन के दूसरे साइड ऐसे करके ले जाएंगे, ये आपको करना है 20 टाइम, 20 बार करेंगे आप, यहाँ से ऐसे ऐसे जाएंगे यहाँ तक छोड़ देंगे, फिर इस साइड रखेंगे, यहाँ से ऐसे अंगूठे से दबाते हुए ऐसे यहाँ तक ले जाके यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे। जिनको शुगर नहीं है उनको आपको यहाँ से ऐसे घुमा के करना है, जिन लेडीज को शुगर है उनको यहाँ से करना है, ये नीचे के साइड से यहाँ से ऐसे, ठीक है दोस्तों। घर पे करके देखना, जिनको भी ये प्रॉब्लम है, जिन भी लेडीज को ये प्रॉब्लम है वो घर पे जरूर करके देखना, आपको धीरे धीरे डे बाय डे इतना आराम पड़ जाएगा, जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो वो बिल्कुल धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी।